जिसने ठीक से अपने आत्मा को जीत लिया, अथवा यूं कहो कि जिसने अपने आप के ऊपर ठीक से विजय प्राप्त कर ली और जिसका मन शांत हो गया। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है, जो परमात्मा में ठीक से शांत हो गया। शीतोष्ण सुख दुखेषु, उसके लिए फिर सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान सम्मान निंदा विरोध अनुकूलता प्रतिकूलता, उसके लिए फिर बच्चों का खेल हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसने अपने आप पर ठीक से विजय प्राप्त कर लिए, भगवान श्री कृष्ण का बहुत उत्तम मंत्र, उत्तम श्लोक, इसको मैं मंत्र कहूंगा। गीता जो है अपने आप में बहुत दिव्य ग्रंथ है, तो मैं आपको बुलवाता हूं, आप सब लोग बोलेंगे, बोलेंगे ना पक्का? ठीक है, बोलो। जितात्मनः प्रशांतस्य, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः, तथा मानापमानयोः। जिसने अपने आप के ऊपर ठीक से विजय प्राप्त कर ली, मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान जीतो, श्रीलंका जीतो, नेपाल जीतो, बांग्लादेश जीतो और दूसरे देशों को जीत कर उनको अपने कब्जे में ले आओ, मैं ये नहीं कहता। मैं तो इससे भी बड़ी विजय के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ये जीत लिया तो भी तनाव बना रहेगा, दुश्मनी बनी रहेगी और न जाने कितने लोगों का इसमें बलिदान हो जाएगा, कितने सैनिक मारे जाएंगे, कितने बम फोड़े जाएंगे और कितने करोड़ों रुपयों का खर्च होगा। ये पृथ्वी को जीतने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए, ये अपना काम नहीं है। भगवान कृष्ण तो इससे भी बड़ी विजय की बात करते हैं कि तुमने पूरे विश्व के ऊपर विजय पाली तो भी तुम्हारा निश्चिंतता और निर्भयता नहीं मिलेगी, तो तभी मिल सकती है जब तुम ठीक से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो यह सबसे बड़ी विजय। ठंडी लगी तो घबरा गए, गर्मी लगी तो घबरा गए, किसी ने अच्छा कहा तो मन अलग हो गया, किसी ने बुरा कहा तो अलग हो गया। नहीं, ये अच्छा बुरा शीत उष्ण राग ये सब तो आने जाने वाला है। सुबह ठंडी थी, अभी देखो स्वेटर निकाल दिया, गर्मी आ गई थोड़ी, और अभी अप्रैल मई जून देखो तो तोबा तोबा, पसीने से तरबतर होने लगेंगे। तो ये गर्मी आएगी जाएगी, बरसात आएगी जाए, सर्दी आएगी जाएगी, लेकिन जो तुम हो वो एक जैसे रहते, तो वो अपने आप में आओ, अपने आप में ध्यान दो, इन सब को जो है सहन करो, फेस देम, मुकाबला करो, न दीन बनो न पलायनवाद करो। जैसे सर्दी गर्मी आती है वैसे ही निंदा हो गई तो वो भी जाएगी, आपका स्तुति हो गया, चार आदमी ने अच्छा बोला तो भी वो सदा स्तुति टिकने वाली नहीं है, किसी ने निंदा अपमान कर दिया वो भी टिकने वाला नहीं है। ऐसे ही अनुकूलता मिली, फैसिलिटी मिली तो भी वो टिकने वाली नहीं है, और डिफिकल्टी मिली तो भी टिकने वाली नहीं है, बीमारी आई तो वो भी टिकने वाली नहीं है, और आरोग्य मिला तो वो भी टिकने वाला नहीं है, जीवन आया तो वो भी टिकने वाला नहीं, और मृत्यु आई तो वो भी टिकने वाला नहीं है। टिकने वाले तुम हो, टिकने वाले आप हो, टिकने वाले आत्मा है परमात्मा, वो टिकता है, शाश्वत निरंजन अच्युत नित्य, वो आपका आत्मा नित्य है, उसको कोई मार नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक,
ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो आपको काट सके, ऐसी कोई बंदूक नहीं बनी जो आपको मार सके, ऐसा कोई पानी नहीं बना जो आपको डुबा सके, और ऐसी कोई अग्नि नहीं बनी जो आपको जला सके। आप वो आत्मा हो, इसका अनुभव होना चाहिए। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। ये रात को कहानी खत्म हो जाए, उससे पहले भगवान करे कि आपका अज्ञान खत्म हो जाए, आपकी आसक्ति खत्म हो जाए। ये संसार के प्रति जो अटैचमेंट है ना, ये मेरा, हमारा, ये हमारे का थोड़ा अर्थ मैं समझाता हूं। हमारा किसे कहते? ह अलग करो, मारा अलग करो। ह अलग लिखो, मारा अलग लिखो, फिर है इज इक्वल टू लिखो, ह मीन्स है, इज इक्वल टू लिखो ईश्वर, परमात्मा, आप बाद में, मैं बाद में, पहले ईश्वर, है मतलब ईश्वर, है ना? सबसे पहले वो था, बीच में भी वो है, बाद में भी वो। बोले वो नहीं है, हम तो उसको मानते नहीं, तो ये किसकी शक्ति से बोलते हो कि भगवान नहीं है? उसी की तो शक्ति से बोलते। बोले मैं भगवान को नहीं मानता, ईश्वर विश्वर सब ऐसा ही फालतू, हम नहीं मानते भगवान को। अच्छा, अपने आप को तो मानते हो, भगवान को? हाँ। बोले मैं तो हूं। कोई भी अपने आप को तो अस्वीकार कर ही नहीं सकता, अपने आप को तो मानेगा, पत्नी को तो मानेगा, बच्चे को तो मानेगा, ये सूरज दिखाई देता है उसको तो मानेगा कि नहीं मानेगा, ये फूल है, ये फूल की सुवास है, इसको तो मानेगा। तो ये कैसे बना? किसी ने तो बनाया। कंप्यूटर हैंग होता है तो डेटा उड़ जाता है, भगवान का बनाया कंप्यूटर हैंग हो जाएगा तो तुम बोलने भी नहीं रहोगे कि कंप्यूटर हैंग हो गया, तुम उससे पहले हैंग हो जाओगे। तो ये परमात्मा नित्य है। बोले भगवान जैसा कुछ नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता। तो ये किसकी ताकत से बोलते हो कि भगवान नहीं है? ये भी उसी की शक्ति से बोलते हो। ये तो उसकी करुणा है, कृपा है, उदारता है कि तो जो नहीं मानता है उसको भी वो जीवन दे रहा है, इतना दयालु है वो। जो ईश्वर को नहीं मानता उसको भी वो ऑक्सीजन दे रहा है, जीवन दे रहा है, उसका गला नहीं घोंटता, उसको मारता नहीं है, उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दयालुता, उसकी उदारता, इसलिए तो ईश्वर है। इसलिए भगवान का नाम एक है, अकारण करुणा सिंधु। करुणा करने का नो रीजन, कोई कारण नहीं है कि वो क्यों कृपा कर रहा। करुणा करने का, दयालुता का कोई कारण हो कि भाई आज हम किसी को 10 रुपए देते तो उसके बदले कुछ पानी की बोतल या कुछ चीज वस्तु लेते तो बदले में पैसा, लेकिन वो इतना सूर्य का प्रकाश देता है, हवाएं देता है, ऑक्सीजन देता है। आज गवर्नमेंट हमें लाइट देती है तो बिल 7 महीने 2 महीने में देती, नगर पालिका अंबानी देती है तो उसका बिल थमाती, कपड़ा वाला कपड़ा देता है तो पैसा लेता है, लेकिन भगवान इतना मूल्यवान वस्तु जो ऑक्सीजन है वो देता है, आज तक 1 रुपया एक नया पैसा भी चार्ज नहीं किया। ये उसकी दयालुता कृपा है, कोई बदले की अपेक्षा नहीं कि हम इतना दे रहे हैं तो इसके बदले में ये दे। इसलिए कहा अकारण करुणा सिंधु, करुणा करने का कोई कारण नहीं। अहेतु कृपा सिंधु, कोई हेतु नहीं है कृपा का कि वो क्यों कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? बोले करुणा कृपा दयालुता, ये उसका स्वभाव है। जैसे फूल का स्वभाव है सुगंध, सूरज का स्वभाव है प्रकाश, अग्नि का स्वभाव है दाहकता, पानी का स्वभाव है बहना, बर्फ का स्वभाव है शीतलता, ऐसे ही भगवान का सब जीवों पर करुणा कृपा दया करने का निरंतर स्वभाव है। तो उसके कृपा की प्रतीक्षा मत कीजिए हजूर, उसके कृपा की समीक्षा कीजिए कि वो रात दिन दे ही रहा है। निशदिन देवत है। सुबह मैंने ये जिक्र किया था, बीनु पद चला ही सो नहीं बीनु काना, करा बीनु करामा,
करही विधि नाना। आप यहां आए चलने को पैर चाहिए, भोजन करे करोगे तो थाली में से मुंह तक कौर लाने के लिए हाथ और उंगलियां चाहिए, ठीक है। देखने के लिए आंखें चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए। ये नहीं हो तो न सुन सकते, न देख सकते, न चल सकते, न कुछ काम कर सकते। लेकिन एक ऐसा है जो बिना पांव के चलता है, वो कौन? एक ऐसा है जो बिना आंख के देखता है, वो कौन? एक ऐसा है जो बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है, और बिना हाथों के बहुत प्रकार के कर्म करता है। जानते हो वो कौन है? वही तो है तुम्हारा और मेरा और सबका प्यारा बापू जी का दुल्हारा, वही सर्वेश्वर, हृदयेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, ज्ञानेश्वर, वही तो है। जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने ठीक से शांति पाना सीख लिया। भीड़ भाड़ में भी जिसका मन शांत रहे, कोई गाली देता आए तो शांत, अपने मन के प्रतिकूल हो जाता है तो शांत, झल्लाता नहीं है, क्रोधित नहीं होता, हड़बड़ाता नहीं है। जिसको कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई माहौल, कोई सर्दी गर्मी है, सब कुछ भी जिसके चित्त में हिलचल नहीं करते, शांत प्रसन्न, उसने समझो अपने आप को जीत लिया। और अपने आप को जीतना मतलब जग को जीतना, वो हार के नहीं, वो तो जीत के जाता है। उसकी प्रवृत्ति, उसके कर्म, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका उपदेश चीरकाल तक समाज में अमर हो जाता है, जिसने अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ये महावीर को हम महावीर क्यों कहते हैं? ये उनका ओरिजिनल नाम थोड़े है। महावीर को दुनिया पूजती है, जैन धर्म के महावीर, वीर नहीं, महावीर। पूछो उन्होंने क्या किया था। AK-47 लेके गए थे कि वो लड़ाकू विमान में से उन्होंने बम गोले डाले थे नीचे, अथवा लड़ाई की थी कोई बहुत बड़ी, तो जगत ने उनको महावीर, उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। शत्रु कौन? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, ये जो अपने मन में रहने वाले दोष है ना, उसके ऊपर। शौर्य, शूरता क्या है? तो गीता कहती है कि युद्ध भूमि में जाके लड़ना ही केवल शूरवीरता नहीं, बॉर्डर पर बैठ के फाइटिंग करना ही शूरवीरता नहीं है। यह मल्ल युद्ध में जीतना, यह दंगल में जीतना, यह युद्ध में जीतना, इसे केवल शूरवीरता नहीं कहते। स्वभाव विजयम शौर्यम, अपना जो अटपटा स्वभाव है ना, ये गुस्सा आ जाता है, ये झल्ला देते, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी किसी को सुना देते हैं, और फिर दुश्मनी ठान लेते हैं। और देखो कोर्ट कचहरी के जितने भी केस चल रहे, जितने लोग जेलों में पड़े हैं, उन सब से पूछो, उसमें से अधिकतर ऐसे होंगे कि किसी ने वाणी को चलाना नहीं सीखा, किसी ने अपने हाथ पे कंट्रोल छोड़ दिया, किसी ने जुबान पे कंट्रोल छोड़ दिया, किसी ने विचार पे कंट्रोल छोड़ दिया, और इसलिए उनको सजा मिली है और भुगत रहे। कोई 3 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 8 महीना, 4 महीना। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आए हो इस दर पे तो मैं आपको शूरवीर बना के भेजूं, ताकि इस संसार रूपी युद्ध में आप जीत जाओ, हारो नहीं। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। दर्द दिल में ही छुपा कर मुस्कुराना सीख ले, गम के पर्दे में खुशी के गीत गाना सीख ले, तू अगर चाहे तो तेरा गम खुशी हो जाएगा, मुस्कुरा कर गम के कांटों को जलाना
सीख ले, मुस्कुराओ, हरिओम 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 माँ, पूरी शक्ति के साथ। और संकल्प करो, हमारे मन में शरीर में रहने वाले पाप ताप और दोषों को हम भस्म करेंगे, बदलेंगे, मिटाएंगे। हरि ओम 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 माँ, हरि 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 ओम माँ, हरि हरि ओम माँ, हरि हरि हरि। पूरी शक्ति के साथ, हिम्मत के साथ, ओम 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 माँ, हरि 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 ओम माँ, ओम 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 ओम। किसी को भी गुस्सा आए तो अपना चेहरा आईने में देख लेवे, अगर दूसरा देखाएगा तो फटाक फेंक दिया जाएगा या उसका माथा फोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम स्वयं देखोगे तो गुस्सा नहीं। गुस्से में कैसा हो जाता है, खून का पानी हो जाता है और आरोग्य के कारण जल जाते। इसलिए गुस्सा नहीं, तनाव, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां जो है, मनोरोग जो है, वो क्यों? सत्संग के अभाव में अपने आप पर विजय नहीं है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा कह रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। परमात्मा में नित्य समाहित रहो, अपने को ईश्वर से अलग करोगे मरोगे, अपने को ईश्वर के साथ एक करके जियो, एक करके खाओ। ऐसा नहीं कि मंदिर में गए, दर्शन किया, हो गया बस, ऐसा नहीं। तीर्थ में गए तो ईश्वर को याद किया, माला फेरा तो ईश्वर को याद किया, सत्संग सुना तो ईश्वर को याद किया, बाकी तो हम बाबा नोट गिनने में लगे हैं, कोई वोट बटोरने में लगा, कोई नोट बटोरने में लगा, लेकिन यहां शिविर में आके अपने जीवन की खोट निकालने में लगो तो काम बन जाएगा, निहाल हो जाओगे। अपने शरीर में, अपने मन में जो गलतियां, उसको निकालो तो बन गया काम। और उसके लिए आप स्वयं जो हो तैयार हो जाओ, कि आप तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ कि हाँ, हम अपने जीवन की खोट गलती निकालने को एकदम तैयार। संकल्प करो बस, हमको अब आगे बढ़ना, अपने जीवन के दोष और गलती निकालना, अपने जीवन को महान बनना। तो ये भगवान कह रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, कि परमात्मा में आपकी नित्य प्रतिष्ठा हो जाए, निरंतर 365 दिन 12 महीना 24 घंटे 8 पहर 64 घड़ी नित्य उसी के रंग में हम रंगे बस।